नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है अपने दोस्तों का दुश्मन कैसे बना जाए। आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके का टॉपिक हुआ। देखिए, आप जरा अपनी जिंदगी में थोड़ा पीछे चलिए और देखिए कि किस समय आपके अंदर बदलाव आया, कोई बड़ा बदलाव या कोई छोटा बदलाव। क्या आपको नहीं लगता कि जिस इंसान की वजह से वो बदलाव आया, वो कहीं ना कहीं उस वक्त आपका दोस्त नहीं, दुश्मन ही था। देखिए, दुश्मन मैं यहां किसको बोल रहा हूं, वो जो दूसरे इंसान को सुधारने के लिए, उसकी किसी गलत चीज को सही करने के लिए ना उसको बताना जानता है। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने दोस्त को उसके गलत होने पे बोल सके तू गलत है, जो बोल सके कि भाई आप इस वाले रास्ते पर चलो, ये वाला रास्ता ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपने लोगों के मुंह से बात बहुत सुनी होगी कि आजकल ना वो वाला जमाना नहीं रहा कि किसी को उसके अच्छे के लिए बोलो और बुरी लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आप उस वक्त ये बात जरूर सोचते होंगे कि क्यों एक अच्छी चीज बेकार रिजल्ट्स दे रही है। तो आज हम एक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। अप्रोच है पर्सन वर्सेज बिहेवियर एंड पर्सन वर्सेज आइडिया अप्रोच, जो फाइंड करी एमर्सन ने 1995 में। अब देखिए, अप्रोच कहती क्या है, बहुत सिंपल अप्रोच है। अप्रोच बोलती है कि आपको ना कभी भी आपके जो फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव, आपके रिलेशनशिप्स में कोई भी, उसकी किसी गलत बात को आपको कैसे करेक्ट करना है, उस इंसान पर फोकस होकर नहीं बोलना आपको, बल्कि उस जिस आइडिया के बारे में बात हो रही है या उस इंसान का जो बिहेवियर आप सही करना चाहते हैं उसके बारे में बात करनी है। जस्ट सपोज आपका बच्चा आपके पास आया और आपको आकर बोलता है कि फादर आई गॉट 60%, मेरे 60% मार्क्स आए हैं, तो हो सकता है आपको पसंद ना आए और वहां आप चाहते हैं उसको ये बात बताना कि आप ना और मेहनत करो। ये बात आप क्लियर करिए अपने दिमाग में कि जब आप किसी को इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ना, तो आप वहां इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बिहेवियर इंप्रूव होता है किसी भी चीज का। तो बिहेवियर पर फोकस आपको करना है, जैसा एमर्सन ने बोला। क्या करना है आपको उस वक्त, अगर आप ये बोलते हैं कि आप बहुत नलायक हो, यू आर स्टूपिड, आपसे नहीं होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं हमने किस चीज पर ध्यान लगा दिया, उस पर्सन पर लगाना किस पे था, उसके बिहेवियर पर। तो कहां चेंज करनी है अपनी बात, कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपने मेहनत कम करी थी। इससे क्या होगा ना, इंसान के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया। और एक बहुत सिंपल सी बात है जो हम सबको समझने की जरूरत है, क्या ना, चाहे कोई छोटा इंसान हो चाहे बड़ा, किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म का, एक चीज जो हम कभी किसी इंसान जो बर्दाश्त नहीं करता वो है अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़, अपनी सेल्फ एस्टीम पर चोट किसी को पसंद नहीं है। एक छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा है, उसकी सेल्फ एस्टीम पर भी आप चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ, तो हमें यह बात ध्यान रखनी है, जब हम किसी इंसान के बिहेवियर को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें उसके बिहेवियर के बारे में बात करनी है, उसके उस आइडिया के बारे में बात करनी है कि आइडिया इंप्रूव हो सकता है। साथ में हम एक बात और समझते हैं, जब मेरा बच्चा मेरे पास रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और उसके अंदर उसका A+ ग्रेड है, 95% है मान लीजिए, उस वक्त भी हम एक छोटी सी मिसकन्फ्यूजन की वजह से हम क्या एक गड़बड़ कर देते हैं जनरली, कि हम बोलते हैं यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट। ध्यान रखिए, ये भी हमने पर्सन को हिट किया, चाहे पॉजिटिवली हिट किया, लेकिन इसके भी नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। क्या ईगो, कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर ये बात सेट हो जाती है, आई एम पावरफुल, दिस इज गुड, बट वाई आई एम पावरफुल, बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग गुड। तो उसके बाद क्या होता है, उसको ये भी बात समझ आएगी अगर कल को, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी परफॉर्मेंस कभी ऊपर तो कभी नीचे जा सकती है, तो कल को अगर उसकी परफॉर्मेंस नीचे हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस इंसान को लगेगा कि मैं भी नीचे गिर गया, बट इन दोनों का कनेक्शन नहीं है। हमें ज्यादा मेहनत करनी है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन हम पहले से ही बेहतर हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं। हाँ, फिर वहां स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, लेकिन अभी हमारा मुद्दा क्या है, बाहर की स्किल को देखना। तो जब कुछ अच्छी चीज हो तब भी हमें ये वाली अप्रोच अपने दिमाग में रखनी है, जिससे सामने वाले इंसान में, और कहें कि पूरे ह्यूमन नेचर में, हम कहीं ना कहीं ये चीज देखें ना कि कोई ईगो किसी के अंदर आए। क्यों? क्योंकि कल को यही चीज फिर डिप्रेशन और बहुत बहुत बीमारियों का रूप ले लेती है, फिर जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
ओके, मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जस्ट सपोज आप सारे फ्रेंड्स ने मिलकर कोई मीटिंग करना डिसाइड किया एंड उसमें से आपके जो फ्रेंड थे एक फ्रेंड लेट हो गए, ठीक है, उनको 2 घंटे लग गए लेट आने में। तो यहाँ पर पर्सन, अगर आप एज अ पर्सन उसको हिट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हमने उनको बोला कि यार ये तो बहुत गलत तरीका है आपका, आपको जल्दी आना चाहिए। लेकिन अगर आप बिहेवियर को हिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां मेरी अप्रोच उस इंसान को दर्द देना नहीं है, उस इंसान के उस बिहेवियर को सही करना है। तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हो सकता है कि क्या आप प्लीज ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लेट आए ना, आप मुझे पहले बता दें। देखिए, बिहेवियर पर फोकस करके ना हमें कुछ बहुत हेल्प मिलती है। क्यों, क्योंकि बिहेवियर को मापा जा सकता है, इट कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी चेंज्ड। हाँ, बिहेवियर को हम माप सकते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत। वो इंसान जिसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, वो समझेगा कि हाँ मेरी ये चीज गलत थी। और जब आप उसको गैप दे देंगे कि आप सही हो लेकिन जो आप कर रहे हो ना, दैट इज नॉट राइट, तो वहां पर उस इंसान के अंदर ना पावर आएगी कि नहीं, मैं सही हूं, आई एम पावरफुल, आई कैन चेंज दिस। बट जब हम इंसान को हर्ट कर देते हैं तो वो बिहेवियर हम पे ओवर पावर कर लेता है और फिर वहां ना कहीं ना कहीं इंसान अपने ही अंदर वो पिसता रहता है। अंत में मैं आपसे बस यही कहूंगा, एक बेहतर दोस्त बनना जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा दुश्मन बनना। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये छोटा सा टेक्निक, ये अप्रोच कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।